मट की रेशों इस्तेमाल करनी है मसाले की वो एक चार रेशों के आप लोगों ने मसाला तैयार करना है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है सुहेब हाजिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो है प्लस्तर के बारे में ये मेरे पीछे आप एक दीवार देख रहे हैं उसका ऊपर से प्लस्तर हो चुका है नीचे से प्लस्तर रहता है तो प्लस्तर के बारे में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि प्लस्तर कैसे करना चाहिए प्लस्तर करने के आ, क्या तरीका है सही तरीका कौन सा है तो सबसे पहले आप लोगों ने दीवार की अच्छी तरह तराई करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने ये देख सकते हैं सीमेंट का पतला ग्राउट है जो वो दीवार के ऊपर लगाना है तो ये आप देख सकते हैं पतला ग्राउट करने के बाद हम दीवार के ऊपर कुछ इस अंदाज से लगाते जा रहे हैं पहले आप लोगों ने अच्छी तरह दीवार की तराई कर लेनी है ताकि कोई भी दीवार खुश्क ना हो ताकि हम जो प्लस्तर के दौरान हमारी दीवार है जो वो खुश्क ना हो जाए और अगर दीवार खुश्क हो जाएगी तो हमारा जो प्लस्तर है वो खूबसूरत नहीं लगेगा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लस्तर नहीं होगा तो सबसे पहले आप लोगों ने दीवार की तराई करने के बाद आप लोगों ने ये पतला ग्राउट जो जिसको हम नीरू बोलते हैं आम जबान में वो आप लोगों ने पूरी दीवार के ऊपर एक लेयर चढ़ा लेनी है इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आप लोगों का पलस्तर मजबूत भी होगा और इसके बाद जो लो, आप लोग आप लोगों की कोई ईंट कोई दो ईंट वगैरह या कोई ख़राब ईंट भी अगर आप लोगों की दीवार में लग चुकी है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी नीरू की तो काफ़ी प्रोटेक्शन होती है इससे वो आप लोगों की सेम वगैरह बाहर नहीं आती ये एक तरह की दीवार के ऊपर एक और लेयर बन गई है तो आप लोगों ने नीरू लगाने के बाद इसके ऊपर फर्दर आप लोगों ने अपना जो मसाला है वो लगाना स्टार्ट करना है तो अभी इसके बाद मसाले का प्रो, प्रोसेस देखते हैं तो फिर आपसे मिल जी तो जो पलस्तर का मसाला है उसको बेलचे की मदद से दो दफ़ा मिक्स करने के बाद ये जाली की मदद से आप लोगों ने ज़रूर उसको छान लेना है ताकि उसमें जो मट्टी के पीस हैं और उसके अलावा जो भी उसमें कचरा वगैरह है वो निकल जाए और हमारा जो मसाला है वो मज़ीद अच्छी तरह मिक्स हो जाए जी तो आप देख सकते हैं अभी दीवार के ऊपर हमने मसाला लगाना स्टार्ट कर दिया है याद रहे आप लोगों ने इसमें जो सीमेंट की रेशों इस्तेमाल करनी है मसाले की वो एक चार रेशों के आप लोगों ने मसाला तैयार करना है अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ मसाला लगाएंगे एक तीन एक दो का तो उससे दीवार में क्रैक आने के खदशात होते हैं तो आप लोगों ने एक चार का मसाला इस्तेमाल करना है जी तो आ, आप देख सकते हैं अभी हम दीवार के ऊपर मसाला लगा रहे हैं मसाला लगाने के बाद इसके ऊपर हम फर्दर जो प्लस्तर का प्रोसेस है वो आप, आपके साथ शेयर करते हैं जी तो पूरी दीवार के ऊपर मसाला लगाने के बाद कांडी की मदद से उसको ऊपर से प्रेस किया जाता है और फिर चपटी की मदद से जो ऊपर ज़्यादा मसाला होता है उसको उतार लिया जाता है और फिर ऊपर गरमाले की मदद से सतह को प्लेन किया जाता है तो आप देख सकते हैं अभी मसाला लगाने के बाद उसको कांडी की मदद से ऊपर से प्रेस किया जा रहा है याद रहे आप लोगों ने जो प्लस्तर की मोटाई रखनी है वो हाफ़ इंच से ज़्यादा नहीं रखनी आधी इंच से ज़्यादा मोटाई का आप लोगों ने पलस्तर नहीं करना यानी कि चार सूत्र से आप लोगों का जो प्लस्तर की मोटाई है वो ज़्यादा ना हो ज़्यादा मोटा प्लस्तर होगा तो उसमें क्रैक्स आने के खदशात होते हैं और वो उसका जो है वो डैमेज होने का भी ख़तरा होता है तो आप लोगों ने जितना हो सके बरक प्लस्तर करना है बरक प्लस्तर में ज़्यादा मजबूती होती है मोटे प्लस्तर की बन तो आप लोगों ने पलस्तर में जो रेत इस्तेमाल करनी है वो आप लोगों ने चनाब की रेत इस्तेमाल करनी है और बिल्कुल साफ़ सुथरी आप लोगों ने रेत इस्तेमाल करनी है जिसमें कचरा वगैरह ना हो तो रेत को हमेशा आप लोगों ने जाली की मदद से छान के इस्तेमाल करना है ताकि जो भी उसमें कोई कचरा वगैरह हो मट्टी हो वो उसमें से निकल जाए याद रहे मिट्टी का नुकसान ये होता है कि जब आप लोग पलस्तर कर दें अगर उसमें मट्टी हो जब आप लोग पलस्तर की तराई करते हैं तो वो मट्टी तराई की मदद से निकल जाती है तो आप लोगों के प्लस्तर में सुराह हो जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रेत इस्तेमाल करनी है उसके बाद आप लोगों ने जो गरमाला इस्तेमाल करना है वो भी आप लोगों ने प्लास्टिक का या लकड़ी का गरमाला इस्तेमाल करना है प्लस्तर के दौरान जो फ़ोम का गरमाला होता है वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना जी तो आप देख सकते हैं कांडी की मदद से उसको प्रेस करने के बाद ऊपर से चपटी की मदद से उसको मसाले को काटा जाता है और सतह को बिल्कुल मुलायम किया जाता है ताकि उसके ऊपर गरमाला चला सके तो ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले प्लस्तर से बिल्कुल नीचे वाला प्लस्तर एक जैसा होना चाहिए यानी कि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं इस तरह चपटी लगा के आप लोगों ने चेक करना है दोनों साइड से आप लोगों ने चेक कर लेना है ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे और ऊपर और नीचे का प्लस्तर सेम हो तो इस तरह आप लोगों ने प्लस्तर करना है अभी चपटी लगाने के बाद इसके ऊपर गरमाला चलाएगा वो प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी तो चपटी लगाने के बाद अभी उस पर गरमाले का प्रोसेस चल रहा है जो कि फ़ाइनल प्रोसेस है इसके बाद जस्ट इसके ऊपर जो फ़ोम है वो चलाया जाएगा तो हमारा प्लसर रेडी हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं आप लोगों ने प्लास्टिक का या लकड़ी का गरमाला इस्तेमाल करना है फ़ोम का गरमाला आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना जी तो ये आप देख सकते हैं ये है गरमाले का प्रोसेस इसके बाद इसके ऊपर फॉर्म चलाया जाएगा और ये हमारा पलस्तर फाइनल हो जाएगा ये जो आप लोगों को लाइनें वगैरह नज़र आ रही हैं ये फॉर्म में बिल्कुल कवर अप हो जाएंगे। जी तो अभी आप देख सकते हैं गरमाला लगाने के बाद उसके ऊपर कुछ इस तरह से आप लोगों ने लंबे रुख में फॉर्म चलाना ताकि जो प्लस्तर के ऊपर जो भी खराशें वगैरह हैं वो बिल्कुल कवर हो जाए और बिल्कुल प्लेन हो जाए तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाले प्लस्तर के साथ नीचे वाला प्लस्तर मैच हो गया तो इस तरह आप लोगों ने ये फॉर्म चलाना तो ये थी हमारी आज की वीडियो प्लस्तर के ऊपर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी याद रहे आप लोगों ने प्लस्तर करने के बाद उससे अगले दिन से लेकर आप लोगों ने तकरीबन पाँच से छः दिन इसको अच्छी तरह फ्राई करनी है दिन में तीन दफ़ा गर्मियाँ हैं तो आप लोगों ने पाँच से छः दिन दिन में तीन दफ़ा इसको पानी लगाना है और सर्दियाँ हैं तो आप लोग एक दफ़ा भी लगा सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़